आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप बिहार में, और पता नहीं कौन कह रहा है पार्शलिटी हो रही है, कौन से लोग कह रहे हैं, मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान जो सक्सेसफुल एक्टर है जैसे मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी हो गए, सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे वो हो गए, और भी बहुत सारी हैं, नेहा शर्मा भी हैं यहीं की हैं, ऐसा आज तक किसी ने कहा? जो इंसान अपने लाइफ में अपने ऊपर काम कर रहा है, अपनी खामियों के ऊपर काम कर रहा है और उसको समझ में आ रहा है कि आर्ट क्या होता है, सिनेमा क्या होता है, एक्टिंग क्या होती है, उसको इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम उसको होती है जिसके अंदर आप कुछ होता नहीं है। जैसे सिंपल सी बात है, आप अपने सोसाइटी में अगर चोर को चोर बोलते हैं तो कितना लगता है ना उसको तकलीफ, अगर किसी शरीफ को चोर बोलते हैं तो ध्यान नहीं देते, तो पार्शियलिटी वहाँ नहीं है, हम अपने स्टेट में ही उस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे हैं जिसकी वैल्यू हम बाहर जाके ढूंढ रहे हैं। सो अगर हम अपने स्टेट में उस आर्ट को, उन चीज़ों को वैल्यू देंगे तो शायद ये वैल्यू, जैसे आपकी नज़र में चंडीगढ़ होगा, दिल्ली होगा, हम लोगों को होता है ना, उनकी औकात इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छी है क्योंकि वो अपने स्टेट में बहुत अच्छे हैं, उनका स्टेट उन्हें बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। हमारा स्टेट अगर सपोर्ट करेगा ना तो आपको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि बिहारियों के साथ पास्ट रियलिटी है। लोग मतलब आर्टिस्ट जो भी हैं, जो सचिन भी हैं, वो उनके अंदर खुद को आर्ट है तो वो थोड़ा आर्टिस्टों को बढ़ावा देते रहते हैं, जैसे उन्होंने ये सब कुछ करवाया है अभी, तो उनको लगा होगा कि कहीं का एक लड़का है, जैसे मैंने कभी एफर्ट नहीं लगा था कि मैं कभी हमारे मीडिया में आके कोई, क्योंकि अप्रोच ही नहीं है, किसी को पड़ी ही नहीं है कि मैं बिहियाँ का हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ तो कोई बिहियाँ चला जाए, आप समझ रहे हो? अभी यही कहीं पे एक बहुत बड़ा डांस चल रहा होगा ना, नाच चल रहा होगा ना, मैंने देखा है, मैं यहीं का पल पढ़ के निकला हुआ, तो मुझसे छुपी नहीं है चीज़ें, वहाँ 50,000 लोग चले जाएंगे, वहाँ चल रहा होगा कि ढोड़ी में तेल डाला, बंदूक से हई उठा दे, उसमें सब लोग चले जाएंगे, तो ये गलती आप लोगों की है, और ऐसी गलतियों को सुधारने मुझे लगता है सचिन भाई अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, काया जो भी है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही इससे एक्सपोजर मिल जाएगा, अगर 10 लोग मेरी बातें सुन लेंगे और अगर उनको सही गलत लगेगा तो उनके लाइफ में एटलीस्ट एक चॉइस तो है निर्णय लेने का। भाई हमारे बिहार के गौरव जो है भाई कैप्टन जाके गाड़ी कितने जगह हमारे बिहार के गौरव हमारे विशाल बाबा के लिए कहा भाई हमारे बिहार के गौरव जो है भाई कैप्टन जाके खतरों के खिलाड़ी कितने जगह उन्होंने हमारे बिहार गौरव हमारे विशाल बाबा के लिए कहा की तरफ से आपके लिए भाई इधर इधर पकड़ के अभी सब एक मिनट सर पकड़ लो